भगवान ने कहा तू मेरी जगत पे चल के देख, मैं धरती फाड़ दूंगा, आसमान चीर दूंगा, पर तुझे भूखा रहने नहीं दूंगा। तू एक बार विश्वास करके देख, तू मेरी जगत पे चल के तो देख, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं है। इसी विश्वास की जरूरत है, इसी विश्वास की जरूरत है, और यही विश्वास चमत्कार करते हैं लाइफ में, यही विश्वास चमत्कार करते हैं। दूसरी बात, भावना कैसी हो, कैसी हो भावना, जैसी हमारे बाबा की थी। एक माता बूढ़ी, उसने अपने घर में पपीते का पेड़ बोया, बहुत सारे सेवा केंद्र नहीं थे, गिने चुने कोई कोई सेवा केंद्र थे, पपीते का पेड़ बोया। उसने संकल्प किया कि इसका पहला फल मेरे बाबा को अपने हाथों से खिलाऊंगी। कभी हमारे मन में भी ये विचार आता है या नहीं? सीजन का जो पहला फल आता है, हम इसको ऑफर करें सबसे पहले, और ये मेरी गारंटी है कि आपके पास सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन जो फल आपने सीजन का सबसे पहले श्रद्धा से भगवान को ऑफर कर दिया, वो खत्म नहीं होगा। इतनी बरकत करेगा कि आप हैरान हो जाओगे। हम जो पढ़ते थे, मैं और हमारी एक सखी थी, हम कॉलेज में जब जाते थे तो रिक्शा हमने कभी छोड़ दी, पैदल जाते थे, पैसा बचाते थे भंडारे के लिए, कुछ करेंगे आश्रम के लिए। बुधवार की शाम का नियम था मार्केट जाकर चुन चुन कर बढ़िया बढ़िया फ्रूट लेके आना, गुरुवार की वास्ते, गुरुवार को भोग लगेगा, जो बढ़िया से बढ़िया फर्स्ट क्लास फल होते थे वो हम लेके आते थे। कई साल ये सिलसिला चला। इसी ही जन्म में जो भविष्य के लिए जमा हुआ वो तो हुआ, लेकिन इसी ही जन्म में आज मैं आपको बताती हूँ, आप जाइए मेरे रूम पे, जाइए भाई जी के रूम पे जाइए, इतने फल आते हैं कि हम दोनों हाथों से बांटे तो भी वो खत्म नहीं होते। इतने फल आते हैं देश विदेश से, बैंडिया भर भर के, यहां से वहां से, इधर से उधर से, खूब बांटे तो भी खत्म। ये है उसका रिटर्न, जो भविष्य में जमा हुआ वो तो हुआ, लेकिन वर्तमान में भी भरपूर है, वर्तमान में भी कमी नहीं है, क्योंकि वो भूखा केवल भावनाओं का है और भाव।